मोहम्मद तस्लीमुद्दीन एक ऐसी शख्सियत जिसने मजलूमों के मुंह में जुल्म के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दी। 4 जनवरी 1940 को छोटे किसान पिता अमजद अली के घर में जन्म लिया। उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि तस्लीमुद्दीन का कद आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और इन्हें सीमांचल का गांधी कहा जाएगा। अररिया के सिसौना गांव में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए। उन्होंने इस छोटे से गांव से अपनी सियासत शुरू की। 1959 में पहली बार अपने पैतृक गांव सिसौना से चुनाव लड़े और सरपंच बने। उस वक्त सामंती ताकतों का मजलूमों पर अत्याचार का दौर चल रहा था। वे 1964 में इसी पंचायत से लड़े और फिर मुखिया बने। वक्त करवट बदलता चला गया और तस्लीमुद्दीन राजनीति की मुख्यधारा से जुड़ते चले गए। 1969 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार जोकीहाट से विधायक चुने गए। ये वो दौर था जब यह मील का पत्थर साबित हुआ और आगे बढ़ते चले गए मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। कांग्रेस में दरबारी प्रथा थी जो इन्हें नागवार गुजरती थी, इसलिए वे 1972 में जोकीहाट से निर्दलीय लड़े और चुनाव जीत गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि तस्लीमुद्दीन को सीमांचल का गांधी सिर्फ कद्दावर नेता के रूप की वजह से नहीं कहा जाता, बल्कि उन्होंने मजलूमों के मुंह में आवाज दी थी। 1954 में तस्लीमुद्दीन छात्र राजनीति से जुड़ गए थे। 1974 में जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में उन्होंने सीमांचल से मोर्चा संभाला। यही वो वक्त था जब कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद उन्होंने सीमांचल क्रांति मोर्चा का गठन किया। इसी बैनर तले वो सीमांचल में विकास के लिए लड़ते रहे। 1977 में जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। जोकीहाट से जीतने के बाद कर्पूरी ठाकुर की कैबिनेट में उन्हें सहकारिता सचिव बनाया गया। इस तरह 1980 में अररिया विधानसभा, 1985 में जोकीहाट में चुनाव जीते, 1989 यानी 1989 में वे जनता दल के टिकट पर पूर्णिया से सांसद निर्वाचित हुए। तस्लीमुद्दीन के राजनीतिक इतिहास का दौर रेस में था। 1995 में वे फिर जोकीहाट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए, जबकि 1996 में ही जनता दल के टिकट पर किशनगंज से सांसद चुने गए। इसी दौरान वे एचडी देवगौड़ा की सरकार में गृह राज्य मंत्री के महत्वपूर्ण पद पर बैठे, मगर विरोध की वजह से उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। उन पर कुछ आपराधिक मामले थे जिनकी वजह से उनका विरोध किया गया। 1998 आते आते जनता दल का विभाजन हो गया और वे लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो गए। आरजेडी में उन्हें राष्ट्रीय प्रधान सचिव बनाया गया और साल 2000 में किशनगंज से चुनाव लड़े और भारी बहुमत से जीते भी। राबड़ी देवी की सरकार में वो भवन निर्माण मंत्री भी बनाए गए थे। इसके बाद 14वीं लोकसभा 2004 में किशनगंज और 16वीं लोकसभा 2014 में अररिया से वो फिर जीते। सीमांचल में पहले शख्स थे जिन्होंने 4 संसदीय सीटों से चुनाव लड़ा और 3 पर जीत हासिल की। ये ऐसे नेता थे जो 8 बार विधायक और 5 बार सांसद चुने गए थे। इस तरह उन्होंने 3 अलग अलग जिलों अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले के लोकसभा सीट से चुनाव जीता। सरपंच से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सफर में राजद के कद्दावर नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन की मृत्यु 14 सितंबर 2017 को आरजेडी सांसद के रूप में ही हो गई। मौजूदा दौर में उनके बेटा सरफराज आलम विधायक और सांसद रह चुके हैं, जबकि उनके छोटे बेटे शाहनवाज आलम 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जीतकर मौजूदा विधानमंडल में विधायक हैं। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।